मोहाली के PCAIS बिंद्रा स्टेडियम में शुरू हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच IPL 2023 का दूसरा मुकाबला इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है दोनों टीमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। IPL 2023 का दूसरा मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाना है, जहाँ पर एक तरफ शिखर धवन होंगे तो दूसरी तरफ नीतीश राणा होंगे। दोनों टीमें किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतर रही है यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं पंजाब किंग्स की टीम के बारे में। तो दोस्तों, हम बात करें पंजाब किंग्स की, तो इस टीम के पास बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक काफ़ी शानदार है। बल्लेबाजों में कुछ खास नामों की हम बात करें तो इस टीम के पास कप्तान शिखर धवन के रूप में सबसे बड़ा बल्लेबाज मौजूद है, तो वहीं पर भानुका राजपक्षे, जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं। इसके अलावा शाहरुख खान, सैम करन और ऋषि धवन भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, गेंदबाजों की हम बात करें तो गेंदबाजी में इस टीम के पास राहुल चहर, अर्शदीप सिंह, नेथन एलिस और हरप्रीत बराड जैसे गेंदबाज मौजूद हैं, जिन्होंने अब तक काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है। लेकिन सबसे ज़्यादा निगाहें राहुल चहर और अर्शदीप सिंह के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि इन दोनों ने पिछले कुछ समय से काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया है। हम इस टीम की ओपनिंग जोड़ी की बात करें इस मुकाबले के लिए, तो मैथ्यू शॉर्ट के साथ शिखर धवन पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर इसके बाद नंबर 3 पर भानुका राजपक्षे उतरे, यानी कि टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं पर नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ पर जितेश शर्मा उतरेंगे। जितेश शर्मा भी काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं पर नंबर 5 पर शाहरुख खान उतरेंगे, जिनकी फॉर्म भी काफ़ी अच्छी है। तो इसके बाद दोस्तों, नंबर 6 पर इस टीम की तरफ से सैम करन उतरेंगे, तो नंबर 7 पर ऋषि धवन उतरने वाले हैं। नंबर 8 पर हरप्रीत बराड़ उतरेंगे, तो नंबर 9 पर राहुल चहर उतरेंगे, जबकि नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर नेथन एलिस उतरने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो पंजाब किंग्स की टीम की प्लेइंग 11 तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। अब इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर में हम टॉप 4 खिलाड़ियों की बात करें तो अथर्व तायडे, परब सिमरन सिंह, शिवम सिंह और साथ ही साथ मोहित राठी मौजूद हैं। इन चारों में से किसी को भी यहाँ पर टीम शामिल कर सकती है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता के पास भी बल्लेबाजी में एक से बढ़कर एक खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। इस टीम की बल्लेबाजी की हम बात करें तो नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर, रहमानुल्लाह गुरबाज, आंद्रे रसल, सुनील नरेन जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो इस टीम के लिए कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। तो वहीं पर गेंदबाजी में भी उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, लॉकी फर्ग्यूसन, शार्दुल ठाकुर हैं, तो साथ ही साथ ऑलराउंडरों की तो इस टीम के पास भरमार ही है। यानी कि देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स टीम भी काफी खतरनाक नजर आ रही है, खासकर कि दो ऑलराउंडर जो कि इस टीम के लिए काफी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं, वो हैं आंद्रे रसल और सुनील नरेन, जो कि इस टीम के की प्लेयर होने वाले हैं। वहीं पर इस टीम की हम पारी की शुरुआत करने की बात करें तो इस मुकाबले में इस टीम की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर कप्तान नीतीश राणा उतरेंगे, तो नंबर 4 पर रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं पर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर मनदीप सिंह उतरेंगे, तो नंबर 6 पर आंद्रे रसल उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 7 की भूमिका सुनील नरेन उठाएंगे, तो नंबर 8 पर हमें शार्दुल ठाकुर दिखेंगे, जबकि नंबर 9 पर लॉकी फर्ग्यूसन, तो नंबर 10 पर उमेश यादव और नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की प्लेइंग 11 भी काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, जबकि इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो अनुकूल रॉय, कुलवंत खिजरोलिया, वैभव अरोरा और सुयश शर्मा के तौर पर 4 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, जिनमें से किसी भी खिलाड़ी को ये टीम अपने इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। तो दोस्तों, क्या लगता है इस मुकाबले में आपको कौन सी टीम का पलड़ा भारी लग रहा है? मुझे इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है, लेकिन मोहाली होम ग्राउंड है पंजाब किंग्स का, तो यहाँ पर ये टीम भी टक्कर देगी। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत रही है, आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।